शेर कितना भी घायल क्यों ना हो जाए, शेर तो शेर ही रहता है और एक जख्मी शेर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन अब घायल शेर लौट आया है और अब होगी असली बकेती। मैं बात कर रही हूँ मिर्जापुर सीजन 3 की। वही खून खराबा, गद्दारी, कुर्सी की लालच, ये सब तो हमने देख ली पहले और दूसरे सीजन में, लेकिन तीसरे सीजन का रुख कुछ और है। एंड फाइनली तीसरे सीजन का ट्रेलर सामने आ गया है, जहाँ कालीन भैया के भौकाल के आगे किसी की मजाल नहीं होने वाली है। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो, यू वॉचिंग वजू का रिव्यूज और मैं हूँ आपके साथ अलमास सिद्दीकी। मिर्जापुर सुन के सबसे पहले हमारे दिमाग में सारे कैरेक्टर्स के नाम याद आने लगते हैं, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, कालीन भाई और भी सारे लोग। और मिर्जापुर को हासिल करने का जो खून सबके सर पर सवार हुआ है ना, वो तो भाई किसी की भी जान ले सकता है। और भोकाल फिर से मचने वाला है। मिर्जापुर के फर्स्ट एंड सेकंड सीजन को तो हमने देख लिया, लेकिन अब तीसरा सीजन में खून खराबों से भरपूर होने वाला है। लेकिन मुन्ना भैया की मौत के बाद कहीं ना कहीं पंकज त्रिपाठी थोड़े से जख्मी हो गए हैं, लेकिन जख्मी शेर तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। वेल, इसके तीसरे सीजन का वेट फैंस काफी दिनों से कर रहे थे और अब फाइनली इसका ट्रेलर सामने आ गया है। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक ऐसे इंट्रोडक्शन से, जहाँ पर सबको जंगली जानवरों से कंपेयर किया गया है और शेर को ही उस जंगल का राजा बताया गया है। और अब शुरू हुआ है असली गेम ऑफ थ्रोन्स। सबके सर पर सवार है मिर्जापुर को हासिल करने का जुनून। पंकज त्रिपाठी यहाँ पर भले ही जख्मी शेर हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन शेर को भी सवा शेर जरूर मिलता है, और वो सवा शेर है अली फजल यानी के गुड्डू भैया। शेर सवा शेर ये तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कई सारे गीदड़, भेड़ियों और जंगली बिल्लियों को भी दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और गुड्डू को छोड़कर सभी लोगों को जंगल का आम जानवर बताया गया है। लेकिन इस जंगल में कोई भी कहीं भी कभी भी पलटी मार सकता है। एक बार फिर से वही खून खराबा, फिर से मिर्जापुर को हासिल करने का जुनून, पंकज त्रिपाठी का बदला हुआ अंदाज, अली फजल का धाकड़ अंदाज, बीना त्रिपाठी की ख्वाहिशा, सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर में हमें दिखाया जा रहा है कि भौकाल शुरू हो गया है, और ट्रेलर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बीना ने पति को धोखा देकर गुड्डू का साथ देना शुरू कर दिया है। जहां पर माधुरी यादव तो खड़ी हो गई हैं इलेक्शन में, लेकिन ये मिर्जापुर है जनाब, इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आएगा। लेकिन ट्रेलर भी काफी ज्यादा धमाकेदार है, तो अगर आपने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाइए ट्रेलर देखिए, और हमारे कॉमेंट सेक्शन में आके कॉमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।